नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद है भोपाल से भाजपा के प्रत्याशी आलोक शर्मा जी। आइए करते हैं उनसे कुछ चुनावों से जुड़ी बात। सर, अब इस लोकसभा चुनाव आप अपनी जीत पर कितने विश्वास करते हैं? देखिए, भोपाल की जनता जनार्दन पिछले 35 वर्षों से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे रही है और प्रत्याशी को सांसद बना दिल्ली की संसद के अंदर पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूं, भोपाल की जनता ने पार्षद के रूप में, महापौर के रूप में मेरे कार्यकाल को देखा है। मैं भोपाल का बेटा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि भोपाल के बेटे को भोपाल की जनता सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन सर, विधानसभा चुनाव में आप किसी कारणवश चूक गए थे, तो आपको क्या लगता है इस बार आप भोपाल की जनता वापस से जीत पाएंगे और कितने अस्वस्थ हैं आप इस चीज को लेकर? देखिए, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, उनके प्रति विश्वसनीयता, जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की मेहनत से इस बार हम भोपाल संसदीय क्षेत्र में सारे जीत के रिकॉर्डों को ध्वस्त करेंगे। 6 सीटों पर आज मतदान होने हैं 26 अप्रैल को, तो कितनी सीट भाजपा के पक्ष में आएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में आप अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार। आज जितनी भी मध्य प्रदेश की सीटों पे मतदान हो रहा है, हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों पे कमल खिलेगा और कमल के फूल की माला प्रदेश की जनता जनार्दन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में डालेगी। सर, अगर इस बार लोकसभा आप जीत जाते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी, कौन से कार्य पे आप सबसे पहले काम करेंगे भोपाल के? भोपाल के, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, मेरी मतदाता है बहनों, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसके लिए हम जनता से संवाद कर रहे हैं, एक विकास का रोड मैप बना रहे हैं। आने वाले समय में संकल्प पत्र, चुनावी मैनोफेस्टो के माध्यम से हम जनता के सामने लाएंगे कि भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसके लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। आने वाले समय में भोपाल में कैसा विकास हो, जिस प्रकार से आज देश में अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़कर ट्विन सिटी की कल्पना को साकार रूप दिया जा रहा है, जिस प्रकार से सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है, उसी प्रकार से हम भोपाल और सीहोर को जोड़ के, भोपाल और बेरचिया को जोड़ के ट्विन सिटी के रूप में विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही चुनावों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। मैं सृष्टि सिंह, रिपोर्टिंग, वीडियो जर्नलिस्ट आदिति मिश्रा के साथ प्रदेश टुडे भोपाल।